अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम्स इन लाइफ। ठीक है, एंजाइम्स की लाइफ में यानी हमारी बॉडी के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है। तो सेंट्रल रोल ऑफ एंजाइम्स एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, सबसे पहले तो हम यह बात करते हैं कि एंजाइम्स जो है उनका इम्पोर्टेंट रोल क्या है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के हवाले से है, यानी स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को। जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शन हैं उनको स्पीड अप कर रहे होते हैं, एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहे होते हैं। तो फंडामेंटल टास्क ऑफ प्रोटीन इज टू एक्ट एज एंजाइम। प्रोटीन्स जो है वो ज्यादातर एंजाइम्स के तौर पे पाए जाते हैं, और एंजाइम्स क्या है, कैटलिस्ट है। ठीक है, दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ वर्चुअली ऑल द केमिकल रिएक्शन विद इन सेल्स। सेल्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको, इनकी स्पीड को बढ़ाते हैं, तो उनको हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। ऑल दो आरएनएज जो कि राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है वो भी कैटलाइज कर रहा होता है रिएक्शंस को, लेकिन ज़्यादातर जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं वो कैटलाइज होते हैं प्रोटीन की वजह से। ठीक है, और एंजाइमेटिक कैटलिसिस के एब्सेंस में क्या होगा कि बायोकेमिकल रिएक्शन इतने स्लो हो जाएंगे कि वो बिल्कुल ही वुड नॉट अकर। ठीक है, यानी इतने स्लो हो जाएंगे कि बिल्कुल हो ही नहीं रहे होंगे, और माइल्ड कंडीशंस के वक्त, यानी जो माइल्ड टेम्परेचर और माइल्ड प्रेशर के वक्त ये बिल्कुल भी रिएक्शंस नहीं हो रहे होंगे, तो दैट आर कंपैटिबल विद लाइफ। ठीक है, और इस वजह से लाइफ प्रोसेसेस कैरी नहीं हो सकते अगर एंजाइम्स जो है वो ना प्रेजेंट हो। एंजाइम्स एक्सेलरेट करते हैं यानी स्पीड अप करते हैं रेट्स को रिएक्शंस के बाय वेल ओवर अ मिलियन फोल्ड। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देते हैं, तो रिएक्शंस जो हैं जो कि ईयर्स लगा दें अगर कैटलिसिस ना हो या कैटलिस्ट मौजूद ना हो, तो ईयर्स लग जाए रिएक्शन को कंप्लीट होने में। ठीक है, और ये रिएक्शन एंजाइम की मदद से सेकंड्स के अंदर हो जाता है, इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। ठीक है, अगर एप्रोप्रिएट एंजाइम मौजूद हो। सेल्स कंटेन थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स एंड देयर एक्टिविटीज डिटरमिन व्हिच ऑफ मेनी पॉसिबल केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली टेक प्लेस विद इन द सेल। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं और हर एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक रिएक्शन कर रहा होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। Enzymes create chemical reactions in the body. They actually speed up the rate of chemical reaction to help support life. ठीक है, वही बात है कि स्पीड अप कर रहे हैं। द एंजाइम्स इन योर बॉडी हेल्प टू परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसके अंदर बिल्डिंग मसल को बिल्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, टॉक्सिन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, यानी ब्रेकिंग डाउन लार्ज फूड पार्टिकल्स ड्यूरिंग डाइजेशन। ठीक है, यानी प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन के लिए भी एंजाइम्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। यू कैन also take enzymes in pill form if you are having certain digestive problems. ठीक है, while there are many types of digestive enzymes, वैसे तो बहुत ज़्यादा types हैं digestive enzymes की, लेकिन जो three main types हैं जो कि pancreas से produce हो रहे होते हैं enzymes, जो कि एक organ है जो कि digestion में help कर रहा होता है, तो ये digestive enzymes जो है वो categorize होते हैं based on the reaction. ठीक है, यानी अगर amylase की बात करें तो amylase जो है वो starch और carbohydrate को break कर रहा होता है into sugar. ठीक है, small molecules such as sugar. protease की बात करें तो protease जो है वो large protein और polypeptide को छोटे छोटे amino acids में break down कर रहा होता है। इसी तरह lipase की बात करें तो lipase जो है वो large lipids को छोटे छोटे ग्लाइसरोल और फैटी एसिड मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करा होता है। लार्ज लिपिड्स में फैट्स और ऑयल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन जो है वो ब्रॉड कैटेगरीज हैं एंजाइम्स की जो कि डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स इन लाइफ। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेरी क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।